ना थे बेचारे, इनकी पढ़ाई लिखाई फैमिली का खर्चा चौधरी साहब ही उठाते ना। कितना अच्छा कर रहे हैं ना। वैसे इन सबके बापों का मर्डर भी चौधरी साहब ने किया था। व्हाट इज दिस फैमिली? मुकेश, मेन गेट के बाहर एक साइकिल थी ना। पता है रेनू, जब तेरी माँ पहली बार इस घर में आई थी ना, तो बिल्कुल तेरी जैसी सुंदर दिखती थी। अरे डिम्पी तो रेनू के जेवर पहनकर फोटो खिंचवा रही है। लो, शादी बहन की और वो जेवर पहन के घूम रही है। जा बुला उसे। रेनू बेटा, क्या भैया, आप भी रहा नहीं जाता ना आपसे, आपकी जान तो इस चिड़िया में बसी है। भैया 36 गांव के लोग आपसे हिम्मत लेते हैं, आप विदाई से क्यों डर रहे हो? रेनू बेटा, आओ पापा से आशीर्वाद लो। सोच समझ के तेरे लिए लड़का ढूंढा है। बहुत बड़ा परिवार है उन लोगों का, इतना प्यार करेंगे कि तू बाप को भी भूल जाएगी। रसम का टाइम हो गया भैया। जा, तैयार हो जा। जब भी कोई भागता है ये दोस्तों को जरूर पता होता है। अरे अरे कौन है आप लोग? हेलो, कौन है आप? नितेश, तेरा नाम है जी? राजेश कहाँ है? बता। बबलू, बबलू, बबलू को पकड़ो ना, बबलू को। बबलू को पूछिए सर। जिसका नाम बार बार ले रहे हैं वो कौन है? वो लड़का बहुत चालाक लगता है, छठा हुआ है। भाई साहब हमारे पट्टे वहीं हैं, लेकिन साला घर पे रहते नहीं। उसे उठाओ। जी भाई साहब। गाड़ियां निकाल। 10 साल ले जा रहा। क्या बोला तू? हार्टस हाल ले जाना। हार्टस और ऐसा क्या तोप है तेरा बबलू? तोप नहीं है, पूरी आर्मी है।
क्यों छुपा रखा है दोनों को? पीछे से किसने मारा? बता हमारी बेटी कहाँ है? पहले ये बता पीछे से किसने मारा? बता! अबे चुप! एक एक करके बोलो, जा रहने दो। देखो लड़की घर से भागी ना, अब कोई पीटी उषा बनने दो भागी नहीं। जिस लड़के से प्यार करती थी उसी के साथ ही भागी होगी, शादी करने भागी होगी यार। अगर उसे शादी की परमिशन देते तो वो भागती क्यों? यो वहां ऐसे हीरोपंती कर रहा था, साले वहां पीछे से सर पे मारा था, यहां सामने से खोल के रख दूंगा। ओए, बस चल, राकेश का पता बोल। आपको राकेश चाहिए ना? ओके, एक काम करते हैं, वो मुझे जब भी फोन करेगा मैं उसे पूछ के आपको बता दूंगा। लाओ अपना सेल नंबर बताओ। क्या बात है, नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं, आपके लिए खास कर एक चिट्ठी डाल दूंगा। ओके, निकलता हूं अभी बाहर होगा। चलो सर, मिलते हैं। रुक! बात को सीधे सीधे समझ जा और जल्दी समझ जा। जब तक मेरी बेटी नहीं मिल जाती तू यही रहेगा। चल अंदर, दरवाजा बंद कर रहा है। बबलू, बबलू तुझे भी? जिनके तुम्हारे जैसे दोस्त हो उन्हें दुश्मनों की क्या जरूरत यार। मेरा नाम किसने लिया था? इसने कमाल है बबलू यार। क्या हुआ? अच्छा हो तू आ गया, बचा ले भाई। डर मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा। ओके, देख यार पूरे के पूरे फेस की पार्ट लगा दी यार। कॉलेज के बाद अपना फेस से फेसबुक भी दिखाओगे ना तो ये हाल होगा तेरा। सारे तो हंस रहा है यार, तेरी तो मैं बोला था ना सारे यूं करेंगे। तेरी सोची यहाँ रियून की पड़ी है, हमारी ऐसी हार दोगे तो हम सारे छोड़े आ तेरी स्किल। क्या मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ? भाई तो है कौन? I'm Kiki, लंदन में रहते हैं, मदरलैंड इंडिया फर्स्ट टाइम आए। ये जाट लोगों से एक बार लिफ्ट क्या मांगे, इन लोगों ने मुझे बहुत मारे और यहाँ लेके आ गए। यार ये लाल पेंट के चक्कर में उठ गया। जाटों किसी तांत्रिक ने बोला था उत्तर दिशा में एक आदमी मिलेगा जिसने लाल पेंट पहनी होगी, उसी के पास होगा राजेश का पता। छोड़ना। केकी, यस, तू जानता है राकेश का है? मुझे राकेश के बारे नहीं पता। भाई इसे कैसे पता होगा यार? हाँ यार, हमें लगा तू जानता है। यार मुझे क्या पता। क्या मर गए यार। देखा, कॉलेज में ही कहा था कि कमीना है साला। ठीक है, करो यार ठन ठन गोपाल अभी। भाई भाई सुन यार भाई, तू रास्ता निकाल सकता है यार भाई, यहाँ से निकाल दे एक बार प्लीज यार। यस प्लीज प्लीज। तो फिर एक चूज कर। अबे यार बबलू हद है यार। मैं चूज करें? अबे नहीं, अबे दिस वन। गुड, कल पार्टी करते हैं डीयू में। फिर शुरू हो गया। लाइक ओल्ड टाइम्स। यार फिर हीरो बनती? यार तुम्हें तो पता है सबको आती नहीं और तेरी जाती नहीं, पता है। पर तुम्हें ये नहीं सबसेट। अबे यार हम यहाँ से भागने का प्लान बन रहे थे, सो व्हाट इज द पोजीशन? सिंपल, ये गांव के बाहर एक रेलवे स्टेशन है, कल सुबह यहाँ से ग्रुप, फिर ट्रेन से ग्रुप, और फिर ग्रुप ग्रुप, और बाकी प्लान ट्रेन में समझाऊंगा।
अच्छा सुन, हाँ वापस आने का कोई प्लान है क्या? अरे पागल हो गए क्या, अब क्यों वापस आएंगे? कुछ काम बाकी है। अबे अबे रुक जा, अबे इधर आ। ना 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 ना, अरे कौन है? ये वो खच्चर जो भाग गए थे रसगुल्ले। हाथ मत लगाना। तो तू इनका हीरो है साले, तुझे ऐसे भट्टे में फूकूंगा ना, तेरा पता नहीं चलना कहाँ गया। बहुत बड़ा बदमाश है ना तू? हाँ तेरी निगरानी में थे ना, तेरी निगरानी में थे ना, तो ये भागे कैसे? ये लौंडे आज मरे या कल मरे, कहीं तू ना मर जाए मेरे हाथों से। फट! दोबारा कभी भागने की सोचना भी मत। हाँ आप घबराइए मत, हम यहां से तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो लड़की नहीं मिल जाती। डेटा है देखते ओए, देख बहुत हो गई तेरी रोमांती, क्या क्या जरूरत है तेरे को रुकने की? यार मैं नहीं रुका, उसने रोक लिया। फिर उसने किसने? वो लड़की ने, इसी गांव में रहती है। भाई बबलू यार ये जाटलैंड है, यहाँ की लड़की के बारे में ना सोचना तक मना है। तुम अगर लंदन आएंगे वहां भी ढूंढ सकते हैं। इसे मिलने के बाद ना मुझे किसी को मिलने की जरूरत नहीं होगी। मैं भाई तू पागल हो गया यार। Maybe. I don't know. ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ रुक सा गया। You mean constipation types? अबे, अबे will you shut up? Okay, okay, I'm shut up. साला. But what is the position now? सबसे पहले ये पता लगाना है कि वो लड़की है कौन। जल्दी रे बेटी, आज तो उच्चो भी करने जा रहे हैं ना, भगवान तुझे सफल बनाए। वो मास्टर रिश्ता रहे ना, उन लोगों पर आदमी रखना। बेट बोलिए चल देंगी, चार पांच तो वहीं पे ढेर हो गए, बड़ा मजा आया। ओए हे, कहाँ जा रही है पापा की लाडली? कॉलेज, होम साइंस का प्रोजेक्ट जमा कराने। तेरी बड़ी बहन भी होम साइंस के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जमा कराती थी, तेरे को शर्म नहीं आती? बहन भागी हो, तू दो दिन से कॉलेज जा रही है। ऐसे कैसे भागी, तो रेनू है ना। चुप कर, देखी मिर्ची, चल अंदर और कॉलेज बंद। होम साइंस रेनू भागी, मेरा कॉलेज बंद करा दी। अरे बात तो सुनो, कॉलेज जाना छोड़ दो, चूल्हा फूकना शुरू कर दो। रचो भैया, घर बार नहीं है आपका, जब देखो यही पड़े रहते हो। रे सुना,
भैया भैया ना बोल, बहुत जल्द रिश्ता बदलने वाला हमारा। ऐसे कैसे? अम्मा बना रहे हो अपनी? अपने बच्चों की जरूर बनाऊंगा। देखो ना पापा, कॉलेज बंद करा दिया है। हर कोई शक कर रहा है कि मैं भी रेनू की तरह भाग जाऊंगी। अरे नाना बेटा, तुझ पे भरोसा है, रेनू भी नहीं भागती। उसे उस लड़के ने बहकाया है, कुछ किया है उसे। अरे कैसे भागती मेरी बेटी, याद है बचपन में तुम दोनों मेरी मूंछों से खेलते थे। मैं बार बार नीचे गिरा था मूंछों को, आप दोनों से ऊपर। बाप की मूंछें नीचे गिरना बर्दाश्त नहीं था तुम दोनों को, लेकिन आज नहीं भागती मेरी बेटी। पापा मैं कभी वैसा नहीं करूंगी जैसा रेनू ने किया। आपको मुझ पे भरोसा है ना? तो प्लीज कॉलेज जाने दो ना। हाँ? बाद में बात करते हैं। पापा प्लीज मुझे। ठीक है पापा, जाओ। हाँ कुछ कह रहे थे। परंपरा तो यही कहती है ना कि जो लव मैरिज करेंगे उनको उनके ही घर वाले मारेंगे। मेरी बेटी भागी नहीं, भगाई गई है। और अगर वो मर्जी से भागी है, जिंदा जला दूंगा उसे। आप कुछ मत करना, ये फूफा फूफी चाचा चाचियां अपने टाइम पे तो सारे मजे ले लिए, मेरा टाइम आया तो इमरजेंसी लगा दी। क्यों? छुप छुप के तो तू भी मजे लेती है। क्या करती हूँ, कॉलेज जाना चाहती हूँ उसी के लिए तो झूठ बोलती हूँ, लड़कों के साथ घूमने के लिए तो नहीं बोलती। वही तो मैं भी सोचूं, क्या तेरा दिल नहीं करता? इन सब फालतू काम के लिए ना टाइम नहीं है मेरे पास। भी 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 दो साल है मेरे पास अपने खुद के खुल के जीने के लिए। इसमें कॉलेज पूरा करना है, डांस सीखना है, मिस हरियाणा बनना है, फिर तो जिससे पापा कहेंगे उससे शादी करके हर साल एक बच्चा करना है। अब अगर कॉलेज ही बंद हो गया तो मेरे 2 ईयर प्लान की तो बत्ती बन जाएगी ना। भगवान करे रेनू पकड़ी जाए, हनीमून की रात को ही ना उसका पति उसको छोड़ के भाग जाए, रोती रोती आए वापस। कुत्ती कह की खुद तो आजाद हो गई है, मुझे यहाँ कैद कर गई, कॉलेज बंद करा दिया। यार कॉलेज तो अब तो तभी जा पाएगी जब रेनू का पता चलेगा, और रेनू का पता उन लड़कों को है जो वो हमें कभी नहीं बताएंगे। उनका तो बाप भी बताएगा, मैं देखूं। So what is the position? Good. 300 घर ही है गांव में। Okay. लड़की को ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। ओ, शमशान भी है एक, जलाना भी ना मुश्किल नहीं होगा। Excuse me. Hello, सुनिए। Scotland में English? Excuse me. देखो, वैसे तो मैं लड़कों को मुंह नहीं लगाती हूँ, लेकिन मजबूरी है। चलो, चुपचाप बता दो मेरी बहन कहाँ है। मैं पतली कमर से बात नहीं करता। दिखाना है तो चेहरा दिखा। दीदी तो देखो, बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी सच्ची। ठीक है तो सुनो। हाँ बोलो। तुम्हारी बहन ओके अपने बॉयफ्रेंड के साथ ओके ओके जहाँ छुपी है उसका एड्रेस हमें नहीं पता है। ओके हाँ, तू अपने आप को हीरो समझता है क्या? यार अब लोग कहते हैं, सबका मुंह थोड़ी बंद कर सकते ना। देख, तेरी वजह से मेरी पूरी फैमिली प्रॉब्लम है। hey, मेरी वजह से नहीं, तुम्हारे बाप की वजह से। ओए, मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोलना, उनसे अच्छा आदमी हो ही नहीं सकता है। अच्छा तो फिर तुम्हारी बहन उन्हें छोड़ के क्यों भागी? यार और वैसे भी अगर बता दिया तो पकड़े जाने के बाद उनके साथ क्या होगा ये तो सोचो। तो गलती की है, सजा तो भुगतनी पड़ेगी। अगर वो गलत है तो अच्छा कौन है? मैं और मेरे पापा। एक और भी है। कौन? मैं।
तो फिर तो हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए ना। आई मीन रेनू की वजह से तू भी प्रॉब्लम में है, मैं भी, है ना? तो मेरा एक काम कर। भाई 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 सुन सुन सुन, चुप चुप, बोलनी यार। जो भी काम है मिलके करते हैं, बोल बोल। ओके, तुम्हारी बहन को मैं ढूंढता हूँ। ओके, और उस लड़की हो तुम। लड़की? कौन सी लड़की? अरे इसे तुम्हारे गांव की लड़की से प्यार हो गया यार। प्यार हो गया? हुआ नहीं यार, पर हाँ हो भी सकता है, हु नोस। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू चाहता है जो इस घर में हो रहा है वो किसी और घर में भी हो, और वहाँ भी कोई लड़की कॉलेज जाने से रुक जाए। रेडियो है बेटा, रुक। हाँ हाँ, पापा को बता के चल चल, फिर देखते हैं। रुक, अबे वो जा रही है, रुक भाई, अबे देखो जा रही है, रुक। दो दिन हुए नहीं, लड़की से प्यार भी हो गया, ऊपर से हिम्मत तो देखो साले की, मुझे ही बोलता है हेल्प कर दो। मन तो करता घुमा कर दो लात मारो। क्या करती है, मुझ पे क्यों गिर रही है? तूने तो लात मारी थी। ये सब क्या है? मेरी जान रेनू, लव लेटर, तुम्हारे होठों पर मेरे होठ, किस, लव, तो पता नहीं जान, हाय, तुम्हारा राकेश, कमीनी ने इधर क्यों छुपाया सब? जल्दी जल्दी इसको उठा, कोई आ जाएगा। उफ़ो, पंखा बनकर सब उड़ रहे। सॉलिड मर गए, एक जगह भुप्पी चाचा के हाथ लग गए, जल्दी छुपा। अरे यार, दोनों के बीच में चुम्मा चाटी भी हुई है, और सारा सारा टच भी, टच भी, टच भी, और सारा सारी मजे इसी टाइम ले लेगी, जल्दी छुपा, जल्दी जल्दी जल्दी। दीपिका हो गए अपने कमरे में, क्यों, क्या हुआ? ले ले ले, फटाफट फेंक दे। नहीं नहीं नहीं, जला दे जला दे। कौन, मैं? नहीं मैं, जल्दी जोनो। डिम्पी, ये क्या है? क्या चाचा जी? तेरी बहन का लव लेटर है। अच्छा, ऐसे होते हैं, मैंने तो कभी देखे। ए, रुक! क्या उसमें? कुछ नहीं। सरकार, जाके देख उस टोकरी में क्या है। जी सर। ये छुपा रही है भाई टोकरी में? कुछ नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं सरकार, कूड़ा है। जो पता चला कि इसमें कोई और भी शामिल है, गोली मार दूंगा। This is amazing. Mobile phone की टाइम में love letters. How romantic. दिखा दिखा। Love letters? भाई इसे राकेश को बहुत बहुत धमकी निकला यार। अब करके दिखा ओवर एक्टिंग। छोड़ दे। हम यहाँ से निकल सकते हैं यार। ये letters देख रहा है। अबे मेरी एक्टिंग देखना। बुलाओ अपने बाप को। इन लड़स में साफ साफ लिखा है कि तुम्हारे बहन की लव स्टोरी में तुम्हारा पूरा पूरा हाथ था। अब हम तुम्हें बताएंगे बताएंगे बताएंगे, तुम वही करोगे जो हम तुम्हें बोलेंगे। सुनिए प्लीज, देखिए ना, ये सब हमें नहीं देखना है यार। देखो देखो, मुझे ब्लैकमेल मत करो। के अभी तक तो नहीं सोचा था, अब जरूर करूंगा। अरे पर मुझे रेनू के फेयर के बारे में कुछ नहीं पता था यार। पर इनमें तो साफ लिखा है तुम उनके साथ इंग्लिश फिल्में देखने जाती थी कभी कभी, और मुंह बंद रखने के लिए सिस्टर की पॉकेट मनी से पैसे मारती थी अभी कभी। पर मुझे क्या पता था कि वो भाग जाएगी। अच्छा? हाँ सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता था।
तो तुम्हारा मतलब ये है लव करना ठीक है, लव मैरिज करना पाप है? हाँ अब समझा। जिससे बाप की इज्जत उतर जाए वो पाप है, इडियट। तो रेनू के भागने में साथ क्यों दिया? ये क्या लिखा है? लेटर्स में लिखा तो नहीं, पर इनमें ये बात मैं लिख दूं तो क्या चाहिए? ऐसे कैसे? और कितना कमीना है तुम, झूठे ब्लैकमेलर थे तुम्हें। पर ये तो सच लिखा है ना कि तूने तेरी बॉडी पे एक सीक्रेट टैटू बनाया, कि तुम मॉडलिंग क्लासेस भी लेती थी मिस हरियाणा बनने के भाई, कि तुम सालसा क्लासेस भी लेती थी। आप कुछ कह रहे थे ना, लड़की गाओ, हम कोई डील नहीं कर सकते प्लीज? हाँ बोलो, ऑफर क्या है? हाँ लिखो लिखो लिखो, एक एक मेरा और दो दिन तक आया नहीं हूँ, सिंगल की वोट लगी कर, मेरा ऑडिशन है और एक लैपटॉप विद इंटरनेशन और दिन कच्चे खाना नहीं खाया तुझे, कच्चों की बढ़िया खाना बना, get some food with these dogs, do we have Domino's over here, and do we get to eat something, and please give me my passport, और please जल्दी करा दीजिए please, एक सेकंड सुन छोरी, कोई ऐसी स्कीम लड़ा जिसमें मुझे गांव की हर लड़की का चेहरा दिख जाए। ऐसे कैसे? आई मीन इन मामलों में ना मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। अब हो जाएगा। उफ, पापा को पता चल गया तो जान से मार देंगे। अबे पापा को छोड़ो और मेरे बारे में सोचो ना। अगर हम दूसरा चूज करते तो क्या करता? तो फिर मैं चौधरी से डायरेक्ट बात करता। यार तू पागल हो गया क्या यार? यार तू हमेशा मारने क्यों लगा रहता है यार? आपको सुनना है, सुन लीजिए। आई लव, आई लव व्हाट? अभी मूड नहीं है। दिल रज्जों का बिंडिम्पी के माने ना। चुगर, पांचवी क्लास में थी डिम्पी जब ही मैंने सोच लिया था वही मेरी लुगाई बनेगी, ये सारी उसकी बहन बग्गी ना होती तो आज मैं हनीमून कर रहा हूँ, तब पपिया ले रहा था उसकी मैं। अरे यार चौधरी साहब ने चवाड़ दे तो रखी है, उसकी जुबान का मुरब्बा डालू। अरे यार लेट गई के बकवास बंद कर जीजा। ओ टेढ़े, देखता हूँ सरकार। अरे जल जा मुई आदि। हो गया क्या? जी सरकार। गाना अच्छा था, दिल रज्जो का बन डिम्पी के माने ना, ये चोदर भी ये बोतल का है मेरी शराब जी। अरे उधर गिलास के पास तो रखी है। ये बोतल का है जीजा। काली काली गिलास है यार। चल छोड़, ले पनीर पकोड़े खाएगा। तेरी बड़ी इज्जत है घर में। अरे जा यार तू घर जा, तेरी मैं परेड कर दूंगा। सुन बे छोरी, तूने पता नहीं लगाया ना उस लड़की का? यार बड़ी कामचोर निकली तू साली, अब देख बोल दूंगा तेरे बाप को कि तू भी शामिल थी रेनू की लव स्टोरी में। चल अभी उड़ जा, एक लड़की को बोला कब से वो भी नहीं ढूंढ सकती। क्या कर रहा है तू, पागल है क्या? तो लाइट को भी अभी जाना था।
अरे पतली कमर, तो वो कौन? उल्लू के पट्टे वो शालू है। ओ यार, तेरी तो इधर ही रुक, मैं सॉरी बोल के आता हूँ। क्या कहा जा रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। रुक, खुद भी मरेगा मुझे भी मरवाएगा। आ गई। ओए, तूने पी रखी है? हो सकता है मतलब कहाँ से आया ये? आई। देख, तू यहीं पे रुकना, हिलना मत बिल्कुल। ठीक। अभी आ रही हूँ मैं, हिलना मत आप प्लीज। एक तो शक्ल नजर नहीं आ रही है। अबे लाइट चलेगी, फोन किया कि नहीं इमरजेंसी वालों को? भाई गांव भर की हमारी क्यों ना है? सुखी, मीटर चेक कर जाके। कहाँ है? आज ठंडा पानी 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 और दिन भी सानी 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 बे शर्म कपड़े बीच यार फोटो मेरे नंगे गाना बंद कर। सॉरी यार। तू यहाँ नहाने आया क्या? अबे इतने दिन से बंद कर रखा है इस खोपचे में। अगर वो लड़की मिल गई तो एक तो ये और इसकी लड़की। अब मैं तो पसंद नहीं आऊंगा उसे यार। राइट, फिर गले वाले मिलना चाहे तो। तूने तो उसको ढूंढा नहीं अब तक काम चोर साली। साली यार लगा। दे तू जा यहाँ से, मरेंगे। ये ले। क्या कर रहा है तू? अबे उसकी निशानी दे रहा हूँ तुझे, 24 घंटे मिलाना उससे। हाँ ठीक है जा, वरना बता दूंगा तेरे पापा को। पता है, जा अब यहाँ से वरना मरेंगे। जा रहा हूँ। शकल का पता नहीं पर कमर ठीक है। उल्लू का पट्टा कथा कहेगा। अच्छा सुनो, वो डिम्पी के रूम में लालटेन लगा देना। सुखी भाई वो आया था। कौन? वो बबलू। बबलू? हाँ, उसने मुझे फिर से मारा। कैसे? ऐसे? लॉन्डे शेड में बंद है, तू ना कम पिया कर। प्लीज भगवान, इस पागल को उस लड़की से मिला दो ना, मुझे फ्री करो। प्लीज 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 ये काम कर दो। एनकाउंटर दिखाने तेरे दोस्त का। साले को बड़ा शौक था लड़कियां भगाने का। एड्रेस कहां से मिला उसका? अपनी माँ को फोन किया था साले ने, मोहाली में छिपा बैठा है, अब कहां बच के जाएगा। कहां है दोनों भाई साहब? सेविंग 12वां माला। बड़ा जी सरकार, लड़ो को संभाल। सरकार भाई टॉयलेट लगी है। लेते हैं।
बबलू, तू यहाँ क्या कर रहा है? अभी दरवाजे से नहीं आ सकता था ना। राकेश का है? क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? बबलू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और जब सारा प्लान बन गया था तो लास्ट मिनट पे फोन क्यों ऑफ किया? फोन बंद नहीं किया, इसके लोगों ने तोड़ दिया। मेरे लोगों ने? सब इस तरफ। अबे तेरे भागने के बाद हम सबको उठा लिया। माँ को फोन क्यों किया? घर वालों को पता चल गया, बारात भी बाहर खड़ी है। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, वरना तोड़ देंगे। रेनू चल, रेनू चल, रेनू दरवाजा खोल। तुम लोग जाओ, संभाल लूंगी। बबलू क्या कर रहा है? मिल जाएगा नीचे। बबलू मेरा चौधर देख, कहाँ है वो दोनों? तुम लोग गलत नहीं हो। और हाँ, हाँ, ये सब रख लो और टेंशन मत लो, मैं हूं, मैं सब संभालूंगा। ओके यार। और हाँ, हाँ, एक बात बता, तुम खुश तो हो ना? तो बस देने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब कुछ संभालूंगा, ठीक है? बस हार मत मानना। अच्छा सुन, तू भी ध्यान रखना अपना, ख्याल रखना। वो भाग गया, वो भाग गया सरकार, वो भाग गया। पता है चिल्ला क्यों रहा है? आपको पता है बबलू भाग गया? पहली हाय माँ प्यार में। क्या कर रही है, पागल है क्या? My God, क्या लव स्टोरी है। अच्छा बताना, तुमने देखा उसको कैसा दिखता है? हैंडसम है कि नहीं? मुझे ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी ये वही लड़का है जिसकी वजह से पापा इतने दिनों से दुखी हैं। ए शालू, तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं, सफाई कर रही थी, बहुत धूल है ना। कोई जरूरत नहीं, निकल यहां से, निकल। हाँ जी। चल चल, ए कुंडी लगाओ। तो शुरुआत से मालूम था ना राकेश रेणु कहां पे है, कब भागेंगे, कहां छुपेंगे, तुझे सब पता था ना? तूने हमें क्यों बताया? क्यों बताओ यार, दो चांटे पड़े नहीं, तुमने सब दोस्तों के एड्रेस बता दिए। अगर तीसरा चांटा पड़ता तो तुम राकेश रेणु का एड्रेस भी बता देते। लेकिन बाबलू ट्राई टू अंडरस्टैंड, उस लड़की के भी तो फैमिली है, है? वो परेशान होंगे। मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, राकेश हमारा दोस्त है बस, मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। यार नहीं है, मैं तुझ जैसे हीरो बनती, हम भी तो तेरे फ्रेंड्स हैं ना। पता है, और जब टाइम आया ना तो जो राकेश के लिए किया है वो तुम सबके लिए भी करूंगा। बबलू हमारा मतलब वो नहीं है, तू समझ नहीं रहा यार। सालो, हमारी दोस्ती कसमें खाया करते थे लोग। लेकिन भाई जब तू यहाँ से भाग सकता है, हमें भगा सकता है, तो क्यों उस अनजान लड़की के लिए सबकी लाइफ डेंजर में डाल रहा है यार? हमें मरना है क्या उसके पीछे? अभी तक तो नहीं सोचा था। अबे तू लड़की के पीछे पागल हो गया है, अबे समझाओ कोई से यार।
अबे ऐसा क्या जादू कर दिया उस लड़की ने कि हमारी जान की नहीं पड़ी है? मत मारी गई है। खुद तो मरेगा, हमें ही मरवाएगा। That girl, I think उसने सब सुन लिए। ये साहब सिट कौन था? सिट। अबे गए। अब गए। तू तो कमाल है यार, सारे लेटर्स ले आई। कमाल तो वो लड़का है जो रेनू राजेश का साथ दे रहा है। वो शुरू से उनकी मदद कर रहा है। कैसे भागेंगे, कहां जाएंगे, कहां है? कौन है वो? मुझे नहीं पता। कौन है वो? मुझे नहीं पता। चाचा मैंने पूछा कौन है वो? मुझे नहीं पता चाचा जी। निकालो बाहर लौंडे को। चल। सीधे सीधे बता दो वो लोग कहाँ हैं और तुम में से कौन जानता है? सर बता दो नहीं तो क्या तू गोली मार दूंगा। बता कौन सा है? ये लौंडा है। बता चलो सर। ले जाओ उस गुल्ले को। थोड़ा भाग। देख इसे, देख इसको, देख ये बोल। ये यही है क्या? बोल डिंपी। क्या किसे? ये तो नहीं है। झूठ तो मैं नहीं हूँ। ये वो लौंडा? बोल। अरे इतने दिनों से भूखे प्यासे घूम रहे हैं, बावले हो गए हैं। बता। मैं नहीं जानती चाचा जी, मुझे सच में नहीं पता। सब पता है तुझे। बता। बोल।
रोका क्यों यार, हंसा आ रहा था। मैं आज भी वही सूरज सिंह हूं जिसने एक रात में 18 लोगों को मारा था। बेटी से मजबूर हूं, वो घर पर होती तो कब का कत्ल कर देता। वो घर पर क्यों नहीं, ये तो सोचो। दोस्ती निभानी आती है ना तुझे, दोस्त के लिए और कितनी देर पिटेगा तू? हाँ, आप और कितनी देर पीट सकते हो? मारते हैं इसे। नहीं, सड़क घड़ी दोस्ती निभाने से है दिल्ली में। दिल्ली सर। जी सरकार। साले बुरी दुनिया में प्यार करने के लिए जिस चौधरी की बेटी है मेरी। देखने दे यार, वैसे भी दो दिन में इस लव स्टोरी का दी एंड होने वाला है। चला चला जल्दी करो। हाँ अभी निकल रहे हैं। हाँ गाड़ी निकल। ओए सुन, तू किसी से प्यार करती है क्या? ओए करती है तो बोल, कहीं तुम्हारे चक्कर में किसी और की पिटाई ना हो। बकवास कर रहा तू चौधरी साहब के सामने। गलत क्या है? सब लोग दिल्ली जा रहे, पीछे से किसी के साथ भाग गई तो वही होगा जो अब हो रहा है। प्यार करती हो तो हिम्मत करो, बोलो। तू वैसे नहीं भागेगा, जाओ चौधरी साहब पास खुद ही हो रखी सारे। बिठाओ उसको, चल। ये हीरो बनती ना, पर्दे पे अच्छी लगती है, रियल लाइफ में विलन जीतता है, समझा? डिम्पी को साथ में ले जाते हैं। डिम्पी को ले रहे? डिम्पी को साथ में ले जाते हैं। रियल लाइफ में भी हीरो ही जीता है भाई। लव स्टोरी तो अब शुरू होगी भाई।
सपने भी छड़ गए सी मैनू सैड फीलिंग ने मैनू मार दिया सी तवे किसी मैं एक चांदी रात विच हाथ मेरे वालों जिसने बढ़ाया सी अपने भी छड़ गए सी मैनू सैड फीलिंग ने मैनू मार दिया सी तवे किसी मैं एक चांदी रात विच हाथ मेरे वालों जिसने बढ़ाया सी मैं कट दिते सारे आदे वहम जेड़े ने मैं कट दिते सारे आदे वहम जेड़े ने जे बाबा जी मेरा इना साथ दिया सी जे बाबा जी मेरा इना साथ दिया सी ए जिंदगी आ मेरी असी आप बने ने तेरे चक्करा में कम केड़ा पूरा होना सी ए जिंदगी आ मेरी असी आप बने ने तेरे चक्करा में कम केड़ा पूरा होना सी हालात नू नी किता काम माड़ा असी मेहनत दिखाइए ना जिखाइए किसे दी सानू अपने तेरे आ विश्वास पूरा सी सच्चा विश्वास जिनू अपने ते है सच्चा विश्वास जिनू गड्डी मेरे छोरा चले टोर से पूरे हरियाणा मेरे नाम गुंजे है काली गड्डी मेरे छोरा चले टोर से पूरे हरियाणा मेरे नाम गुंजे है शौक रखे सरे मखा हथियार का शौक रखे सरे मखा हथियार का जिनकेरे पछे छोरा कराए खर्चे जिनकेरे पछे छोरा कराए खर्चे ओ गड्डी दोरे खड़ी सरे काले रंग की मखा नाम बच्चे चले सरे आठ परचे ओ गड्डी दोरे खड़ी सरे काले रंग की मखा नाम बच्चे चले सरे आठ परचे गड्डी बुरी टोर गिला ले गए चले से पुलिस भी जावे थी सलाम करके गड्डी पूरी टोर गिला ले गए चले से पुलिस भी जावे थी सलाम करके काले नाम काले काम धंधे भी रे काले काम बोलते ही मखा पूरा हो जैसे होया ना रे कोई जो रे लेवेगा सवाल शहर में भी चले तेरे मारे चर्चे ओ गड्डी दो रे खड़ी सरे काले रंग की मखा नाम बच्चे चले सरे आठ परचे ओ गड्डी दो रे खड़ी सरे काले रंग की तुम अपनी अपनी वसीयत तैयार कर लो मुझे एक बात नहीं समझे तुमने उन दोनों लवर्स की सीक्रेट आउट कर दिए तो अब तो वो लोग पकड़े जाएंगे ना पकड़े तो तब जाएंगे जब दिल्ली में होंगे झूठ बोला था कितना कमीना है यार तू यार जो दोस्त कमीने नहीं होते वो कमीने दोस्त नहीं होते शिमला की बस में चढ़ाया था सर दिल्ली की बाकी चौकियों से भी ये डिटेल्स आई हैं। बोलेंगे नहीं पता अभी तो। इंस्पेक्टर इससे नहीं काम चलने वाला। बस स्टॉप इट। हेलो चौधरी साहब, कुछ पता चला? दिल्ली के चप्पे चप्पे से सारे लोकल गूंस, गैंगस्टर्स, पिम्प्स, ड्रग पेडलर्स सबको राउंड अप कर दिया। लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। पर हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। सॉरी, प्लीज जल्द से जल्द मेरी बेटी को ढूंढो वरना मैं सॉरी नहीं बोलूंगा प्लीज हमें तो बहुत डर लग रहा है बाबलू क्या हम यहाँ से भाग नहीं सकते बहुत बढ़िया है अब हम भागेंगे नहीं भगाएंगे इन जाटों को यहाँ से वहां वहां से यहाँ यार कितना खाओगे पहला है पहला भी वैसा होता है जैसा आखिरी होता ना हरी चटनी का
इधर हरी चटनी करते रहोगे तो उधर मांग में लाल सिंदूर भर जाएगा। अबे ओए, तू काम की बात कर। देखो, जहां तक मैं राकेश को जानता हूँ, वो शादी करने के लिए सबसे पहले मंदिर गया होगा। क्या कहा तूने? मंदिर चलो। सामूहिक विवाह, मेरे भी दिल कर रहे शादी करने को। यार कितने दिल है तेरे पास? मेरे भी दिल कर रहे, मेरे भी दिल कर रहे। ईश्वर, मेरे रिनू मुझे वापस दिलवा दे। मुझे वो दिन मत दिखलाना जब पता चले कि रिनू अपनी मर्जी से भागी थी। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। रिनू, हट। क्या कर रहे? पागल है क्या? अभी तक तो नहीं सोचा था, अब लगता है हो जाऊंगा। पता है तुझे आज यहां क्यों लाया? क्योंकि इधर कोई झूठ नहीं बोलता, सच कह रहा हूं। तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, और अगर तू ट्राई करे तो गारंटी है मैं भी तुझे अच्छा लगूंगा। मंदिर में भी हीरो बनती यार, अब क्या करूं, सबको आती नहीं मेरी जाति। हाथ छोड़। छोड़ दिया। ए! क्या चल रहा तेरा? अबे शिव पार्वती जी को क्यों देख रहा है यार? हनुमान जी की तरफ देखना। सोले रुक, अभी चौधरी साहब को बताता हूँ। नहीं नहीं नहीं, रुक। अरे भाई क्यों मार रहे हैं इसे? अरे ये नहीं, मिर्गी का दौरा पड़ रहा है। अरे मिर्गी का दौरा पड़ा है, तूने चमड़े की चप्पल सुभाओ ना। आपके पास है क्या? है ना मेरे पास। जी तो सुभाओ ना। इसे चेक करो सबको, चेहरा देख उसका। तू प्लीज किसी और लड़की को पकड़ लेना। तेरे जैसी नहीं मिलेगी ना। मिलेगी ना, कितनी सारी लड़कियां दुनिया में, ट्राई तो कर। तो वही तो कर रहा हूं, पर नहीं मिलेगी। मैं हैंडसम नहीं हूं ना। अरे तू है? सच में? हाँ तू बहुत हैंडसम है। अच्छा, देख तेरी हाइट अच्छी है। क्या बात करी यार, तेरा फेस कट भी अच्छा है। और कुछ? नाक भी ठीक है, और क्या चाहिए? पर मेरी लिप्स तो ठीक नहीं है ना। अच्छे हैं। यार कोई किसी नहीं करेगी, क्या फायदा? करेगी ना बाबा, ऑफ कोर्स करेगी। करेगी। तो इंतजार क्या करिए? हाथ पकड़ा, मैंने कहा था ना इसने हाथ पकड़ा। क्या करते हो चौधरी साहब, आपने इस बेचारी को अकेले छोड़ दिया। इतनी भीड़ है, पता नहीं कैसे कैसे आदमी है। प्लीज जरा इनका हाथ पकड़ के रखिए। यहाँ तो कोई नहीं मिला भाई साहब, सब जगह देख लिया। देखो, जहां तक मैं राकेश को जानता हूँ, वो शादी करने के लिए कोर्ट भी गया होगा। बड़ी चर्बी हो रखी है तन्ने, अपनी औकात में रह वरना भट्टे चलते हमारे। अच्छा क्या बता दिया, तेरी चिंता की जरूरत नहीं पड़ी। भाई साहब आप यहां बैठिए, मैं और सुखी अंदर देख के आते हैं। तुम यहाँ बैठो, हम अंदर सेटिंग करके आते हैं। आइए आइए, आराम से बैठिए बहन जी। आराम से बैठे हैं भाई साहब। तू रो क्यों रही है यार? और थोड़ी देर में जन्म जन्म के लिए एक साथ हो जाना हमने। अच्छा सुन, ऑफिसर्स पूछ रहे इसके पेरेंट्स कहाँ हैं। जाके उसको बोल दे उसका बाप हमको ढूंढने में बिजी है।
प्रॉब्लम नहीं है बेबी, रन ना। एक्सक्यूज मी, बिटिया क्यों रो रही है? अपने डैडी को मिस कर रही है जी। थर्ड ग्रेड बाप है इसका, सॉरी हां, करोड़ों कमाता है, मर्सिडीज चलाता है, नैनो जितना दिल है उसका। गुड़िया रो, रोना नहीं। कौन है इनके रिश्तेदार? मैं इसके डैडी की गाड़ी चलाता हूँ जी, आई एम अ ड्राइवर हूँ क्या जी, था इसके बाप ने ना जी मुझे तनख्वाह कम दी, फिर जिसने मेरे को मारा, कहता तू इससे प्यार क्यों करता, मैंने भी उसकी लड़की भगा ली जी, अब काटे चक्कर, ठीक हो गया ना? बेटी तुम्हारे पापा परेशान नहीं होंगे? होएगा, दो दिन होएगा, ढूंढेगा हमको इधर उधर, चक्कर काटेगा, पुलिस स्टेशन जाएगा, लेकिन हमें क्या, हमने तो हनीमून मनाने मनाली निकल जाना क्यों। गुड़िया चिंता नहीं रखनी, उसने हाथ जोड़ के मनाली तक आना है और कहना है दमाजी चलो। आप लोगों में इतनी हिम्मत कहां से आती है? दोस्तों से सीख रहे हैं हम, लव यू यार। आपने वो शेर नहीं सुना, इश्क पर खैर जोर नहीं गालिब, सुना ही होगा, फेमस है। वैसे आपको क्या लगता है, आपके साथ जो मैडम बैठी उनको कभी किसी से प्यार नहीं होगा? सिस्टर एक बात बताओ, आप अपनी सारी जिंदगी इस आदमी के साथ, मतलब आपके पापा ही है ना, इनके साथ निकाल दोगी? अरे सुन, इसके रिश्तेदार इसे ढूंढ रहे। एक तो ये रिश्तेदार, इनके लिए तो पिकनिक होती है, ढूंढना मतलब माल उड़ाना, समोसे फ्रूटियां पेप्सियां ऐश उड़ानी। ओ ऐसा क्यों, ठीक है ना? वेट लूज करो के बच्चे। शादी और ब्याह की जिम्मेदारी 20 रुपए की माला से पूरी करेगा तू? हाँ, तेरे अंदर आत्मा नाम की चीज है कि नहीं? लड़की को भगा के ले आ गया, ये नहीं सोचा कि माँ बाप पे क्या बीत रही है? और तुम माँ बाप को रुला के खुशी मिल रही है, तुझे शर्म आनी चाहिए तुझे। और आप ऐसे वो लोग अंदर ना है, उनके नाम के एप्लीकेशन रजिस्टर में भी ना है। तू क्यों रो रही है? तू टेंशन मत ले, वो आदमी टेंशन में है। आई लव यू, कुछ नहीं होता। हमने तो इसे कहीं नहीं देखा। तुझे समझाया ना, तेरा मेरा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा क्या बता दिया, मुझे आसान काम वैसे भी पसंद नहीं, इसलिए तुझे वाइफ बनाया। ये ले मैरिज फॉर्म, हाँ? मैंने साइन कर दिया, 50% शादी तो हो चुकी है, बस अब तू साइन कर दे तो 100%। अरे चौधरी साहब, रेड उस पेन में है। माफ कीजिएगा, गलती हो गई। गलती हो गई, सबसे होती है। चलो बैठी थी, आपने देखा क्या उसे? नहीं, नहीं, नहीं। डिम्पी, भाई साहब,
यहाँ मेरी बेटी बेटी थी नीला सूट पहनकर डिम्पी चौधरी साहब गलती आपकी है अरे क्यों लाए थे साथ में अब दोनों बेटियां चली गई हाथ से छोटे शब्द हैं हिंदी में नहीं इंग्लिश में नो एंड नो मींस नो छोटी बच्ची हो क्या समझ नहीं आता कि साथ रहो कुछ हो जाता आज तो बड़ी औकात मेरे रजो चल पट्टी करा ले चलो सुन इतना सब कुछ हो गया मैं तुझे थैंक यू भी नहीं बोल पाई किस बात के लिए मेरी लाइफ बचाने के लिए तुझे कोई नहीं बचा सकता डिम्पी तेरी लाइफ तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है हाँ मेरी अपने फादर से नहीं बनती वो बोलते ये कर
और मैं कहता मैं नहीं करूंगा। तूने कभी अपने फादर को ना बोला क्या? नहीं ना। अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथ में ली है? नहीं। तेरे खानदान में औरतों को गाय की तरह बांध कर रखते हैं, कभी सिंह घुमा के मारा है? यार लड़ो तो सही, बराबरी तभी मिलेगी ना। एक ही लाइफ है, डू यू गेट इट? वी ओनली लिव वंस। बबलू, मैं भी जीना चाहती हूँ, लेकिन मैं लेकिन कुछ नहीं, हिम्मत कर, बोल अपने बाप से तुम उनसे प्यार करते। अपने सपनों से तो प्यार करती है ना? हाँ। भाई साहब, यही गेस्ट हाउस है। ये नहीं पूछता कि कौन किसकी बेटी को उठा के लाया है, किसकी बीबी को भगा के लाया है, बस घंटे के हिसाब से कमरा दे देते हैं बस। और भाई क्या बात है? साहब साहब बता दे कहाँ मिलेंगे दोनों? अरे पैसे खत्म हो गए थे, चेन रखवाई थी लड़की ने, उसके बाद उसके पास कुछ बचा नहीं, पर मैंने बोला ना पहले पैसे दे फिर रुकने देंगे, अब वो पैसा कौन देगा बता? अबे ओ साले हाथ मत लगाना, तुझे कैसे पता ये थी? ऐसे दिखते थे? यही तो थे, यही दोनों थे। चल निकाल मेरे पैसे, निकाल। चौधरी जी क्या हो गया? चौधरी जी क्या हो गया आपको? सर सर काम डाउन, आप प्लीज घर चलिए, चौधरी जी सब ढूंढ रहे हैं आपको। कौन सा घर? हाँ, वो लॉज जहां मेरी बेटी ने अपना घर बनाया था, देखा ना तूने कहां रखा था मेरी बेटी को, इसीलिए घर से भगा कर लाया था उसे। यही जवानी है क्या? हम जवानों को नहीं समझते? अरे हम भी जवान थे 25 साल पहले, इतना घमंड था किसी की नहीं सुनता था, किसी की नहीं, माँ बाप बीवी किसी की नहीं। फिर बाप बना बच्ची का, मेरी रीनू का। अरे इतनी सी थी जब मैंने पहली बार हाथ में पकड़ा तो सब कुछ छोड़ दिया, गधे की तरह मेहनत की, पैसा कमाया, इज्जत कमाई, अरे इंग्लिश भी सीखी इसके लिए। फिर कोई आया और मुझसे ले गया, प्यार यही है प्यार, जेब में पैसा नहीं, काबिलियत साबित नहीं की, दोस्तों ने हेल्प किया और भगा लिया, बन गया हीरो, यही है हीरोपंती। जेब में पैसा खत्म तो चेन बेचती, फिर बात नहीं बनी तो डिवोर्स कर देगा। हाँ। पर मैं तो मेरी बेटी को डिवोर्स नहीं कर सकता, बाप हूं, 20 साल पाल पोस के बड़ा किया है, बाप का हर फर्ज निभाया है, उसकी शादी करना चाहता था, खुश देखना चाहता था,
लेकिन कहाँ है मेरी बेटी, कहाँ है? अरे हार चुका हूँ, नाम इज्जत गुरूर सब कुछ खो चुका हूँ, मुझे मेरी बेटी चाहिए, कहाँ है मेरी बेटी, कहाँ है मेरी बेटी? जिस दिन वो मिलेगी ना काट दूंगा, वही का वही मार दूंगा। तुझे क्या लगता है वो लोग पकड़े जाएंगे? पता नहीं। पता है पहले मैं भी चाहती थी कि वो पकड़े जाए, पर हर किसी को हक है ना अपनी लाइफ के फैसले खुद करने का, मुझे भी होना चाहिए। Cause we only live once, right? तो क्या हम भी ऐसे ही भागते फिरेंगे? से तो नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन तुझे कह देती हूं, प्लीज इन्हें माफ कर दो सर, सर प्लीज इन्हें माफ कर दो, चौधरी जी प्लीज माफ कर दीजिए प्लीज। हट! सर प्लीज मेरी बात तो सुन। खबरदार, खबरदार जो से हाथ भी लगाया तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी मैं। पति है वो मेरा, आपसे कहती तो आप शादी करने देते इससे? क्यों मुझे अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने का हक नहीं है? क्यों डिम्पी, तू बता मैंने तो क्या गलती कर दी? क्या प्यार करना इतनी बड़ी गलती है? क्यों आप लोगों में चैन से नहीं जीने दे रहे? कुत्तों की तरह हमारे पीछे पड़े हो, कुत्तों की तरह क्यों? ले जाओ। नहीं, ठीका इसने, ठीका
मैं कुत्ता हूं, हम सब कुत्ते हैं। तू घर से भाग गई, हर पल में डरता रहा, कहां होगी, किस हाल में होगी। तुझे ढूंढने के लिए शहर शहर गली गली भटक रहा हूं, लोगों से लड़ रहा हूं, लोगों पे भौंक रहा हूं, कुत्ता ही तो हूं। अच्छा क्या बेटी, मेरी औकात मुझे याद दिला दी। मैंने सोचा तेरा बाप हूं, बेटी की फिक्र करने वाला कुत्ता ही तो होता है। कुत्ता हूं मैं, माफ करना बेटी, गलती हो गई, कुत्ता हूं, माफ कर दे। बस बहुत हो गया रेनू, सीधे सीधे माफी मांग ले, बोल दे इस लौंडे ने किडनैप किया था तुझे, बोल दे, जान बच जाएगी तेरी, वरना तू तो मारा कानून जानती है, बोल दे। भाई साहब अब तो आप मुंह परे कर लो। बैठ नीचे, बैठ। ए! सुना नहीं सबने, सब नीचे देखो, चूतों की ओर नीचे। ए तू नीचे देख। तू तो मेरे लिए मर चुकी है, सोचूंगा कि हमेशा मेरी एक ही बेटी थी। हाँ हम लोग पहुंच रहे हैं, डिप्पी गाड़ी में बैठ जाओ। तुम लोगों के साथ जो किया उसके लिए सॉरी बेटा, तुमसे बैर नहीं, बस बेटे से बहुत प्यार है। अपनी सासे मत कहिए। सुनो टाइम मिले तो डिम्पी की शादी में आ जाना। डिम्पी जरा तेरा पासपोर्ट, आराम से एडवेंचर टूर पे जाइयो, हैं? मिलते हैं भाई। अच्छा चलते हैं, नमस्ते। चल भाई कहां सुनी, माफ कर दे। चौधरी था तू, बच गया, अगर भट्टेवाड़ों के रास्ते में आता ना तब का फूंक देता तुझे। बैबू, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। बस एक बात बता भाई, क्या तू उसके बिना जी पाएगा? तो चल भगाते हैं उसे। चलो चलो चलो।
हमेशा लगता था कि मुझे इस घर में कभी कुछ नहीं होगा, पर आज आज मुझे डर लग रहा है। पापा मुझे दिल्ली इसलिए लेके गए क्योंकि उन्हें मुझ पे भरोसा नहीं था, पर मुझे पूरा भरोसा था कि मैं वो कभी नहीं करूंगी जो रेनू ने किया। जब बबलू से जुदा हुई तब मुझे समझ आया कि रेनू ने घर क्यों छोड़ा। खानदान में लड़की के पैदा होते ही उसे मार दिया जाता है। पापा ने तब तो नहीं मारा, पर अब मार रहे हैं। क्या करूं चालू में? भाई अब तक तुमने हमारा गुस्सा ही देखा है, हाँ। अब प्यार देखना। हाँ। जी हम वो ही लेने आए हैं। अच्छा जी, आओ भाई अंदर, स्वागत है, चलो भाई। बहुत खुश लग रही है। हाँ अब वो आ गए है ना, अब मुझे कोई डर नहीं है। ए बबे इधर आ। जी भाई साहब। वो लड़का कहाँ है, उसको रोकना है। किसको, बारात को? बारात नहीं, वो बबलू, उसको बबलू को। बबलू को क्यों भाई साहब? तू छोड़, मैं देखता हूँ। जी कहीं नहीं। दोस्त कहाँ तेरे? वो तो इधर ही, किधर होंगे। तो किसी को ढूंढ रहा है? जी एक्चुअली मैं आपसे कुछ हो ना। हाँ आजा आजा, बात करते हैं, आजा। अरे बबलू जी ठंडा लेंगे, वो पिलेगा, तू जाके कहीं और पिला जा। तू आ इधर, बैठ 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 बैठ। मौसम अच्छा है ना, देखो सब लोग बहुत बहुत खुश हैं। लड़का अच्छा है, बड़ी फैमिली का है। अगर घर में सब कैसे हैं, माँ बाप ठीक है? हाँ, मुझे उम्मीद ही नहीं थी तुम आओगे बिना बताए, लेकिन अच्छा किया क्योंकि सब लोग शादी में लगे हैं और मैं अकेला पड़ गया था। अब तो आ गया ना, साथ मिल गया मुझे। विदाई तक मेरे साथ ही रहना, विदाई तक प्लीज। रहोगे ना? मेरा हाथ। हाँ? मेरा हाथ। सॉरी सॉरी। सब सब रेडी है? यस, मैंने शालू द मेड को मैसेज दे दिए हैं, वो डिम्पी तक पास ऑन कर देंगे। लो भैया आप यहाँ बैठे हो, कब से ढूंढ रही हूँ आपको। बारात आने वाली है भैया, चलो चल के कपड़े बदल लो। इसे यहाँ छोड़ के? अकेला है बेचारा। वो यहाँ शादी में आया, आपसे बात करने नहीं। चलो तो जाओ, मैं थोड़ी बात करके आता हूँ। वो क्या है,
वो लड़का जो वो शादी होने तक कहीं नहीं जाने वाला। चलो आप नहीं, चलो भैया बारात आ जाएगी। चलो चलो भैया मैं आ रहा हूँ। ये नहीं। हाँ। अरे भाई साहब पगड़ी। भाई साहब कुछ पता चला यार? I don't know. बबलू दीपिका है, ढूंढ रही है। पता नहीं यार। तू छोड़ यार, तू उधर जाके देख। मैं देख रहा हूँ ना। रिलैक्स रिलैक्स। ये देखोगे बबलू। हमेशा कहता था कि तुम मुझे देखकर रुक गया, मैं तुझे देखकर चलने लगी, उड़ने लगी, जीने लगी। पापा से कैसे कहूं कि मैं जीना चाहती हूं? उन्हें सब पता है। Oh my God, so what is the position now? भाई की पोजीशन हमारी पोजीशन से खराब है। खजान के पापा क्या हुआ पापा? ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। ख्याल रखा है आपने मेरा। हाँ। बिल्कुल परछाई की तरह। और आज ऐसी जगह भेज रहे हो जहां पर आप नहीं होगे, पर आपने सही सोचा होगा। मुझे अपनी पूरी जिंदगी दिख रही है पापा। लेकिन मैं जी लूंगी। आप चिंता मत करना। हाँ तैयार करो। तुझे पता है ना मेरे घर में क्या हो रहा है? मेरी बेटी की शादी। और तुझे ये भी पता है कि इससे पहले एक लड़का मेरी बेटी को भगा के ले गया था। और अब तू क्यों आया है तू यहां? सच बता, मेरी बेटी को भगा के ले जाने आया है ना तू? हाँ। भगाना कोई मुश्किल काम नहीं चौधरी साहब, और ना कोई डर है मुझे। जब रीनू भागी तब आपको देख के हंसा करता था, पर जब देखा धीरे धीरे महसूस की
कि बेटी के भागने से बाप पे क्या गुजर दिए। आज आपको देखकर आपकी हालत मैं डर गया। मैं कभी ऐसा नहीं था, खुश था, हमेशा खुश था, लेकिन आज आज उदास हूं। कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं जिसे बता सकूं, और कोई समझ भी नहीं सकता, लेकिन आप तो समझ सकते हो ना। उस दिन डिम्पी 20 मिनट के लिए गायब हुई, मैं परेशान हो गया, फिर समझ आया कि आपकी रेनू तो 20 दिन से गायब है। पता है इस घर में क्या हो रहा है? उस लड़की की शादी जिससे मैं प्यार करता हूं, और उस बेटी की शादी जिससे आप प्यार करते हो। आप परेशानों की शादी ना रुक जाए, और मैं परेशानों की शादी ना हो जाए। आप अपनी इज्जत बचाना चाहते हो, और मैं अपना प्यार। हम दोनों की हालत एक जैसी, डिम्पी को सबसे ज्यादा प्यार आप ही करते हो, लेकिन आपकी बात अगर उसे कोई उतना प्यार करता है तो वो मैं। हाँ, भगाने आया था, पर आपकी बेटी भगाऊंगा नहीं। क्या कर रहा है यार बबलू? यार भाई, जब तेरी बारी आई तो तू डर गया? जो मैं कर रहा हूं वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई चौधरी को पता है डिम्पी तुझसे प्यार करती है, फिर भी उस रज्जो से शादी करा रहा है, ये तो गलत है ना यार। बाप हमेशा गलत नहीं होते। लव कमांडो, नहीं कहा जा रहा से भाई, जैसे पता चला तू आया तो देख, मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। रज्जो की शादी में आया ना, कुछ तो खा के जाएगा। चूज कर, के खाएगा, ए खाएगा या ए खाएगा? प्लीज प्लीज, हाँ हमें जाने दी। इब के तू चार कंधों पे जाएगा, तैयारी ना करके ऐसे तीन ही छोरा लेके आया है लड़ो। हीरो बनती, यहां होगा तेरा डी एंड, और वहां करूंगा मैं डिम्पी की ओपनिंग सेरेमनी। तू ना माने you
बबलू मार उसको, मार दे इसे बबलू, बबलू मार दे, छोड़ मत इसे आज, मार बबलू मार, बबलू मार, बबलू मार उसको, मार दे। चौधरी साहब, क्या है तुझमें, क्या दिखता है डिंपी को तुझमें जो मुझे नहीं दिख रहा? उसकी बारात मेरे दरवाजे पे खड़ी है और मैं यहां खड़ा हूं, क्यों? क्योंकि आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हो। उसकी शादी कहां करनी है ये हक मैं आपसे नहीं छीना चाहता, लेकिन जहां भी तयेगी, अगर उसे इस तरह से भी तकलीफ हुई तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। जहां तय की है वहां अगर उसे कुछ भी तकलीफ हुई तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इज्जत देखनी है, मतलब जाटलैंड में लव मैरिज ओके हो गई भाई साहब? लड़का ठीक हो तो ओके। अब के बताऊं भाई साहब, अपना भी कुछ चक्कर चल रहा है। सरकार अपना भी सुखी तू। अरे जीते रहो जीते रहो। राकेश रेनू को भी माफ कर दीजिए प्लीज। हाँ क्या, हीरोपंती बड़ी करता है। हाँ।